जय हिंद। अभी आप लोग सोने की बहुत उत्साह दिखाई दे रहा बच्चों में, और अभी मैं जय हिंद बोला तो उसका प्रत्युत्तर कितना सकारात्मक मिला। एक बार फिर से जय हिंद। गुड। काफी एक्साइटेड हैं आप लोग। कहा जाता है कि आज आप ही का दिन है, बाल दिवस 14 नवंबर। वास्तव में 14 नवंबर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 1889 में इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। आनंद भवन इलाहाबाद में आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्यालय के रूप में जाना जाता है। और पंडित नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी एवं माता स्वरूपा रानी जी थी, वो इलाहाबाद के एक फेमस बैरिस्टर हुआ करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पढ़ाई कैलिफोर्निया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज में विदेशों में हुआ करती थी। उनको जहाँ कहीं भी उनका चित्र देखेंगे आप, उनकी कोट पे गुलाब दिखाई देता है। वह दो चीज बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, एक गुलाब का फूल और दूसरा बच्चों को। बच्चों से उनको अगाध स्नेह था, इसीलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। और उन्हें उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हालांकि बाल दिवस पहले नहीं मनाया जाता था, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई 1965 में तो पूरे देश में एक उत्सव जैसा माहौल हो गया। तभी इसकी आवश्यकता महसूस हुई कि अब इनकी मृत्यु के उपरांत पहली बार बाल दिवस 1965 में मनाया गया था, 14 नवंबर को। और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं बाल दिवस की। बाल दिवस का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा और सुरक्षा के लिए प्रेरित करना है। बच्चों में बाल श्रम जैसी असुरक्षात्मक चीजें हैं जिनको कानून की धाराओं से बांधा गया है, और वो पढ़े लिखे आगे बढ़े, इसको प्रेरित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो एक बार पुनः आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक बधाई। साथ ही कल 15 है, और एक महान व्यक्ति का आज और जन्मदिन है, गुरु नानक जी का। सिखों के पहले गुरु थे, और उनके बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म तलवंडी में, ये ताली बीच में, गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी में 14 नवंबर 1469 को हुआ था, और उनके जन्मदिन को बड़े पैमाने पर सिख समुदाय के लोग प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। तो एक बार उनके जन्मदिन की भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तालियां इंगित कर रही हैं कि काफी लोग कुछ बोल चुके हैं, मैं अपनी बातों को विराम दूं। संभवतः बहुत बहुत धन्यवाद।